शालोम अलैकुम। प्रभु यीशु में भाइयों बहनों को मसीह में शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है पहला तीमुथियुस उसका 6 भाग और उसकी 15वीं आयत, जिसमें कहते हैं, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये हमारे परमेश्वर के लिए कहा गया है कि जो हमारा राजाओं का राजा है, किसी भी बड़े राजा से सबसे बड़ा राजा, और जो हमारा प्रभुओं का प्रभु है, जगत के किसी भी देवों को जो लोग मानते हैं उन सबसे बड़ा देव हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। और एक आगे क्या लिखा है देखिए, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति है। परम धन्य मतलब धन्य में से भी उसकी प्राइम लेवल, परम धन्य और एकमात्र अधिपति मतलब जिसको अधिकार है, सारा जगत का अधिकार, हमारा अधिकार, उसके लोगों का अधिकार, और जो भी सृष्टि में है वो सारा अधिकार केवल हमारे परमेश्वर को है। परमेश्वर की स्तुति हो उसके अद्भुत वचन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। आज जैसे हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सरकार होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें सुरक्षा देती है, जब हम प्रॉब्लम में हो तो हमें मदद करती है। उसी तरह से जैसे फिजिकल अटैक के लिए सरकार दी गई है, फोर्सेस दी गई है, वैसे ही जो हमारी लड़ाई है वो फिजिकल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक लड़ाई है। तो आत्मिक अटैक से बचने के लिए प्रभु की फोर्स हमेशा रेडी रहती है। जैसे अटैक होने पर सबसे पहले हम अपना बॉर्डर होता है वो सिक्योर कर लेते हैं, वो सुरक्षित कर लेते हैं कि बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सके। उसी तरह से जब भी हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो प्रभु यीशु सबसे पहले हमारी बॉर्डर को कवर कर लेते हैं, हमारी बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं, जिससे बाहर से आने वाले कोई भी खतरे से वो हमें बचा लेते हैं। बचने के लिए एक ही काम हमें करना है। जब शैतान हम पे अटैक करता है, या जब हम कमज़ोर फील करने लगते हैं, या जब हमें लगता है कि अटैक भारी हो रहा है, तब प्रभु यीशु के पास घुटनों पे आ जाए, प्रभु यीशु को अपने ऊपर ले ले, प्रभु यीशु का रक्त जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है वो हमारे ऊपर ले ले, हमारे सारे गुनाहों को प्रभु यीशु के पास कबूल करके सारे गुनाहों के लिए हम माफ़ी पाएँ, और प्रभु यीशु में हम छिप जाए कि जहाँ पे हमें सच्ची प्रोटेक्शन है, हमारी सारी बॉर्डर्स को डिसकनेक्ट कर दे, जिस जगत से हम कनेक्टेड है, जिस लालसा से हम कनेक्टेड है, जिस पाप से हम कनेक्टेड है, जो भी गंदी बाबत हमारे जीवन में है वो सारी निकाल दे, क्योंकि शैतान उन्हीं के द्वारा हम पे अटैक करता है। शैतान उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके, उन्हीं लोगों का उपयोग करके, उन्हीं बातों का उपयोग करके जो हमें पसंद है, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके शैतान हम पे अटैक करता है। ऐसे टाइम में हमें केवल एक काम करना है, हमारी जगत की सारी संगति से छूटकर परमेश्वर के चरणों में आके परमेश्वर के लहू में हमें छिप जाना है, और परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट हो जाना है। परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देगा और वो हमें आत्मा में और बलवान करता जाएगा। परमेश्वर हमें उसका फूड देगा जिसके द्वारा, वचन के फूड के द्वारा हम परमेश्वर की सुरक्षा में हमेशा रहेंगे, और वचन के फूड के द्वारा हम और बलवान होंगे, हमारा आत्मा और बलवान होगा, जिससे कोई भी खतरा हम पे ना रहे। हम आत्मा में इतने बलवान होंगे कि शैतान की कोई ताकत हम पे वार नहीं कर पाएगी। हमारे लिए परमेश्वर की फोर्सेस, हमारे लिए परमेश्वर हमेशा लड़ता रहे, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। वो हमारा सबसे बड़ा राजा है, वो हमारा सुरक्षा का गढ़ है, परमेश्वर हमारी चट्टान है, और वो ही हमारा किला है कि जिसके अंदर रह के हम सुरक्षित रह सकते हैं, और उससे बाहर जाएंगे तो हमें खतरा है। परमेश्वर के किले में हम रहें कि जिससे बाहरी फोर्स हम पे अटैक ना करें और हम पे विजयी ना हो, ये ना ट्राई करें कि हम बाहर चले जाएं और हमें कुछ ना होगा, पर हमेशा परमेश्वर के वचन में छिपे रहे,
परमेश्वर की अधीनता में हमेशा रहें, खुद पे भरोसा ना करें पर परमेश्वर हमारा जो राजा है उस पे हमारा भरोसा टिका रहे, ऐसा परमेश्वर होने दे। जब जगत के लोग तकलीफ में होते हैं तो वो पत्थरों के पास, मूर्तियों के पास, लोगों के पास और जिस पे भी उनका भरोसा होता है उन चीज़ों के पास, अपने पैसों के पास चले जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर देव का देव है जिसको सारे अधिकार दिए गए हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर हमारा प्रभु है जिसको, केवल जिसको दुनिया की हर एक चीज़ पे अधिकार दिया गया है। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसको परमेश्वर चेंज नहीं कर सके। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। हमारा कोई भी प्रश्न, समस्या ऐसी नहीं है जिसको परमेश्वर बदल नहीं सके। परमेश्वर जीवनों का बदलने वाला प्रभु है। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर मृत्यु में से जिंदा होने वाला प्रभु है। उसको सारे अधिकार दिए गए हैं क्योंकि वो अकलौता परम अधिकारी है। परमेश्वर की स्तुति हो उसके वचन के लिए। और अगर हम जगत से जुड़े हुए हैं और अटैक का सामना कर रहे हैं तो आइए हमारी सारी बॉर्डर्स को बंद करके परमेश्वर के चरणों में आ जाए, उनके लहू के नीचे जहां हमें पूरी सुरक्षा है। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, हमें वो बल दे कि हम हमारी सारी बॉर्डरों को जो जगत से जुड़ी हुई है सब को बंद करके आपके अंदर हम छिप जाए। और आप हमें बल दीजिए और हमें बलवान कीजिए कि हम जगत में टिक पाए। प्रभु, जगत में तो खतरा है पर परमेश्वर आपने जगत को जीता है। आप परम अधिपति हो, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आपकी शरण में हमें हमेशा कृपा और प्यार है। आपको अधीन होने का मन दीजिए प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।